शहर कोतवाली बिजनौर के महिला जिला अस्पताल में मरीजों से प्रसव कराने के दौरान आशाओं के पैसे लेने का मामला उस वक्त सामने आया जब एक गंज निवासी युवक मोहम्मद शकीन की पत्नी का ऑपरेशन कराने के बदले कविता नाम की एक आशा ने डॉक्टर को पैसे देने की बात कहकर 4,000 रुपए ले लिए और मरीज की देखरेख भी ठीक प्रकार से नहीं की, जिस पर लाचार पति शौकीन ने मीडिया से इसकी शिकायत की। मामला मीडिया के संज्ञान में आने का पता लगने पर उस आशा ने पीड़ित पति को डरा धमका कर झूठ बोलने को कहा। बिजनौर महिला जिला अस्पताल में सुबह से लेकर रात तक आशाएं बिना किसी काम के न सिर्फ घूमती रहती हैं, बल्कि अस्पताल में मौजूद मरीजों को डरा धमका कर प्राइवेट नर्सिंग होम में साथ ले जाकर मोटा कमीशन खाने से भी नहीं चूकती। कमीशन के चक्कर में स्वास्थ्य विभाग के आशा संबंधी नियमों को भी आशाएं ताक पे रख देती हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन इस तरह के मामलों की रोकथाम के लिए किसी तरह की कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं, तो वहीं बिजनौर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी इनके आगे बेबस नजर आती है। किन्ने क्या नाम है? उनका कविता। कविता ने क्या कहा आपसे? उन्होंने बोला बोल दे जो हो गया सो हो गया, मना कर दिया उनसे। अच्छा, कितने पैसे लिए आपसे? 4,000 रुपए लिए थे। काहे के लिए? नाम पे लिए थे डॉक्टर को। अच्छा, डॉक्टर को भी दिए गए पैसे? डॉक्टर ने नहीं लिए, इन्होंने लिए कविता ने। नहीं लिए सर, पैसे नहीं लिए। कोई बात नहीं, अब कोई जरूरत नहीं, वो कह दिया उन्होंने, मरीज ने कह दिया।